अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंपल जो कैपेसिटर होता है उसके पास दो मेटल प्लेट होती हैं, इस तरह से दो मेटल प्लेट होंगी और उनके दरमियान एक लेयर होगी एक इंसुलेटर की या एयर की सिंपली, और उनको कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ चार्जिंग प्रोसेस के लिए। यहाँ बेशक स्विच लगा दें। अब देखें, दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए और बी, उनके दरमियान कोई भी इंसुलेटर मीडियम हो सकता है। उस इंसुलेटर मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अब जब आप स्विच ऑन करेंगे, बैटरी एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को दूसरी प्लेट पर ट्रांसमिट करेगी, यानी कि यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको यहाँ से अट्रैक्ट करके बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड करके वो यहाँ पर डिपॉजिट करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सामने नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया प्लेट्स के दरमियान। चार्ज आया, चार्ज आया कैसे? बैटरी ने एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज को ट्रांसमिट किया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं। मैं साथ साथ रियलिटी भी बताता चलूँ, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं हम, क्योंकि इसलिए हम बात कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट वाली, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर सिर्फ होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसमिट हुए हैं इस प्लेट के ऊपर, लेकिन हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं। कन्वेंशनल क्या होती है अगले चैप्टर के स्टार्ट में ही पता चलेगी आपको, जब करंट पढ़ेंगे हम। तो पॉजिटिव चार्ज को बैटरी यहाँ से दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करती है, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस द प्लेट्स वो कितना आ गया, वी इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू। अमाउंट जो है क्यू की सेम रहेगी दोनों प्लेट्स के ऊपर, जस्ट साइन अपोजिट है। तो जो क्यू है अगर वो ज़्यादा आएगा प्लेट्स के ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, कॉन्स्टेंट लग जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी वी, और यहाँ पर सी क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसकी जो वैल्यू है वो हर कैपेसिटर की डिफरेंट होती है, लेकिन तीन बातों पर डिपेंड करती है। एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ज़्यादा होगा ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। टाइप ऑफ द इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स का दरमियान इंसुलेटर कौन सा, उसकी नेचर पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इनकी जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है और नेगेटिव चार्ज की लेयर, उनकी आपस में रिपल्शन होगी, उसी वजह से वो चार्ज लूज हो जाएगा, वो एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ स्टे करते हैं, स्टोर रहते हैं। तो प्लेट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इन तीन बातों पर डिपेंड करती है, मैं दोबारा बोल दूँ, एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और नेचर ऑफ द इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स। अब ये जो सी है कैपेसिटेंस बोल रहे हैं आप इसे, इसका यूनिट डिफाइन करते हैं। ऐसे यूनिट जो होगा वो क्या होगा? तो अब चार्ज जो है हम कूलम में मैयर करते हैं। अगर एक कूलम चार्ज डिपॉजिट किया जाए प्लेट के ऊपर या स्टोर किया जाए, उसके रिजल्ट में प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आए, तो हम कहते हैं जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरेड होगी, माइकल फैराडे के नाम से रखा हुआ फेरेड। तो इसको डिफाइन करते हैं फेरेड को। इफ 1 कूलम, सिंपली 1 कूलम लिख लें, 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट।
बिटवीन द प्लेट्स। ऑफ द कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी वन फैरड। ठीक है जी, बड़े ये फैरड बड़ा यूनिट है, इसलिए छोटे यूनिट यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पीको फैरड। तो माइक्रो 10^6 होता है, नैनो 10^-9 होता है, और पीको जो है 10^-12 होता है, जो छोटी वैल्यूज़ है, छोटे यूनिट्स हैं। तो हम ये यूज़ करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं फैरड के अंदर। तो याद रखना है, एक कूलम चार्ज अगर दिया जाएगा प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को, उसकी वजह से प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट जनरेट होगा, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरड होगी। तो ये कैपेसिटेंस आ गई, जिसे कहते हैं एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय द कैपेसिटर। तो ये तीन बातों पे डिपेंडेंट थी, मैंने आपको बताया एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और टाइप ऑफ इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं 13.2 जो इसके साथ ही अटैच है। स्टेटमेंट देखिए 13.2 की, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेरेड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 50 वोल्ट्स, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट। कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रो फैरड दी गई है, माइक्रो खत्म करें 10^-6 लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के दरमियान वो 50 वोल्ट है। आप बताएं कितना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर ईच प्लेट पे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है, क्यूज जो है ना हमने फाइंड करना है। अभी अभी आपने पढ़ा क्यूज इक्वल टू सी वी, यहाँ वैल्यूज लगा दें, सी की वैल्यू 100 × 10^-6 और वी की वैल्यू 50, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 5 × 10^-3 कूलम आ जाएगी। 10^-3 को बेशक आप मिली कह दें तो मिली कूलम बन जाएगा ये। तो ये आंसर आ गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आई भी हुई है। अब कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कैपेसिटर्स को जो ना वो कनेक्ट करेंगे, कम्बिनेशन बनाएंगे कैपेसिटर्स के पैरेलल और सीरीज़ में, फिर उनकी एग्जांपल्स भी हैं साथ, वो भी सॉल्व करेंगे। इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।